तमाम एरिंगा डिफेंस को वजह समथिंग आदमी बहुत बहुत खुश आमदेद। मेरे गार्ड फ्रेंड्स, इस वक्त आप मेरे घर के सहन में मुख्तलिफ किस्म के आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स देख रहे हैं। तमाम ही प्लांट्स की है बहुत ही हेल्थी बुशी ग्रोथ है, स्टार्टअप है, इवन है मानसून की बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और जितने भी मैंने प्लांट्स लगाए हैं उनमें कुछ प्रीनियर प्लांट्स हैं, कुछ कटिंग्स के जरिए लगाए हुए हैं और कुछ हैं सीजनल प्लांट्स हैं। और आज की मेरी वीडियो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त आप हेल्थी बुशी ये प्लांट्स देख रहे हैं। ये ब्लू पी का ये प्लांट है, इसे बटरफ्लाई ब्लू पी भी कहते हैं। इसके ब्लू ब्लू इसके कलर के फ्लावर्स होते हैं। और आज से एक महीना पहले मैंने इनके यह सीड्स हैं ये लगाए थे। जो मेरे गार्डन फ्रेंड्स अगर वीडियो देखना चाहें तो आपको इस वीडियो में इसका थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा, उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और कुछ इस तरह के ये फली नमा है, जिस तरह के ये देखें, इस तरह के इसके अंदर ब्लैक ब्लैक करके ये सीड्स थे। तकरीबन एक जो फली है इसमें तकरीबन 8 से 10 सीड्स थे। और तमाम ही सीड्स हैं मैंने लगाए थे और तमाम ही सीड्स हैं जर्मिनेट हुए। इसमें भी अभी 4-5-6 सीड होंगे नॉर्मली है। और उसके बाद है मैंने इनके है मुख्तलिफ पॉट्स में है इनको ट्रांसप्लांट किया सीडिंग को, जब तकरीबन 20-25 दिन गुजर गए। और इस वक्त ये जो 7 इंच के पॉट में कुछ डिस्पोजेबल पॉट्स में अपने सीड शॉप में है के लिए मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया, जो कि सेल आउट हो गए हुए हैं कुछ हैं। और कुछ हैं अपने घर के होम के लिए ये रखे हुए प्लांट्स हैं, क्योंकि ये प्लांट हैं हमेशा रहने वाले ये प्रीनियर प्लांट्स हैं जिनमें फ्लावरिंग आती है। एक तरह की वे वाइन है, जिस तरह के ये रेलवे क्रीपर्स पे आप कासनी कासनी कलर के फ्लावर्स देख रहे हैं, जिसको मैंने टपोरी फॉर्म में है डिजाइन आउट किया हुआ है। इसी तरह ये जो प्लांट है ये ब्लू पी बटरफ्लाई ब्लू पीस का है, इनमें भी ब्लू ब्लू कलर के फ्लावर्स आते हैं। और जो फ्लावर हैं एडिबल हैं, एज ए हर्बल के प्लांट के तौर पर भी जाना जाता है। इसकी है चाय भी पी जाती है और बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं। लेकिन मेरी तो खैर एज ए बेनिफिट बताने का पर्पस तो नहीं है, मेरा तो बेसिकली वीडियोस थी कि आपको इस प्लांट की है हेल्थी बुशी ग्रोथ के हवाले से। इवन मानसून के मैंने जैसे वीडियो के शुरू में कहा बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और जहां मेरे दूसरे ये प्लांट्स हैं घर के सहन में छोटे से कॉर्नर में, यहां मैंने एडजस्ट किया हुआ है, यहां भी कुछ प्लांट्स हैं, इसी तरह कुछ यहां भी प्लांट्स हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स लगे हुए हैं। तो नॉर्मली प्लांट यहाँ ही है, इसको रखा हुआ है 7 इंच के पॉट में है। और इस प्लांट को है आप 7 इंच में पॉट में लगे हुए है, एक महीना हो गया हुआ है। और ऊपर से देखें आप इसकी हेल्थी बुशी है, नई से नई ब्रांचेस निकल रही हैं। और नॉर्मली है मे भी है अब फ्लावर्स है जहाँ तक है। नॉर्मली अगर क्यारी में लगा होगा तो ये फ्लावर्स हैं, हो सकता है कि अभी तक है इसमें फ्लावर्स आगे होते, क्योंकि क्यारी में लगे हुए फ्लावर्स अगर लगे हुए प्लांट की उसकी हेल्थी बुशी ग्रोथ ज़्यादा बेहतर होती है एज कम्पेयर टू आप पॉट में। और पॉट भी है ये 7 इंच का पॉट में लगा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है जैसे कि आप ये देख रहे हैं रेलवे क्रीपर पर भी फ्लावर्स आने का सिलसिला शुरू है, ये भी 7 इंच ही के पॉट में लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इस 7 इंच के पॉट में भी फ्लावर आएंगे। बस आपने ये है कि जब मैंने सीडिंग ट्रांसप्लांट की थोड़ी सी गोबर की खाद मट्टी और थोड़ी सी रेत इसमें मिक्सअप की थी। और अब इवन अब मानसून की बारिशों का सिलसिला भी जारी है, लेकिन इसके बाद फिर दोबारा इनमें फर्टिलाइज करूंगा। और अभी तक मैंने किसी किस्म की कोई लिक्विड फर्टिलाइजर है इनमें मैंने इन वाइंस में नहीं दी है। और इवन जब आगे मानसून की बारिशों का स्पेल थोड़ा सा खत्म होगा यानी कम होगा तो इनमें मैं बाद में है DAP या मुख्तलिफ किस्म की जो फर्टिलाइजर है NPK वगैरह में इसमें दूँ, ताकि इसमें फ्लावर्स आने का सिलसिला आगे स्टार्टअप हो। और इसमें अक्टूबर के एंड तक है या अक्टूबर से पहले एंड तक इसमें फ्लावर्स आने का सिलसिला रहता है। उसके बाद है इसमें फ्लावर्स है दिसंबर में आके इसमें फ्लावर्स हैं आने का सिलसिला नहीं होता। लेकिन जो प्लांट्स हैं आपका ये हमेशा रहने वाला ये प्रीमियर प्लांट्स है, बस लीव्स हैं इसके फॉल आउट हो जाते हैं, लेकिन ये जो प्लांट है हमेशा ये आपके घर में रहेगा।
जिस तरह मेरे दूसरे मैंने रेलवे क्रीपर्स आप देख रहे हैं, इसी तरह कुछ और भी मेरे घर में वाइन्स हैं, जैसे कि ये स्वीट पोटैटो की है वाइन्स हैं, दो उसमें कलर्स हैं। इसी तरह कुछ सीजनल भी वाइन है, जैसे ये मॉर्निंग ग्लोरी की वाइन है, ऊपर तक गई हुई है, ये सीजनल वाइन्स हैं। तो मेरे घर फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो थी अपने घर ही में लगाए हुए सीड के जरिए, स्पेशली है ये स्वीट, ये जो बटरफ्लाई ब्लू प्लीस के प्लांट के हवाले से थी। और उम्मीद करेंगे कि मेरे देखने वालों को, चाहने वालों को आज की वीडियो बटरफ्लाई ब्लू पी प्लांट के हवाले से वीडियो पसंद आएगी। बाय फ्रॉम वाजेश होम सिंगार।